वो शाम के अभी बज रहे हैं 4। आज मैं काफ़ी लेट ना आई हूँ, 3:30 में ना आई हूँ। और काम तो वैसे मेरा मॉर्निंग टाइम में ही ख़त्म हो गया था सारा, 11:30 के आसपास सारा मेरा काम ख़त्म हो गया था। रूम का मेकओवर करना था, बेडरूम का, वो मैंने उसी टाइम ख़त्म हो गया था। उसके बाद खाना बना, वीडियो की एडिटिंग में मेरे को आज ज़्यादा टाइम लग गया। ओह माय गॉड, कबूतर सामने दिख रहा है उसका, मैं देखने लगी। तो वीडियो की एडिटिंग में मेरे को 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। स्पॉट क्या कर रहा है अंदर? मैं अभी बाहर हूँ, अंदर पता नहीं खट 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 क्या आवाज़ आ रही है। स्पॉट ये क्या कर रहे हो? हाँ ये देखिए, ये कहाँ है, ये क्या हो रहा है यहाँ बैठ के? ये यहाँ ये स्टूल लगा के और यहाँ बैठा हुआ, क्या यहाँ क्यों बैठे हो? क्या दे? कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलता है, रोज रोज कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। उतरो यहाँ बैठ के, कोल्ड ड्रिंक तुम पिएगा? ग्लास उतारने के लिए यहाँ पे चढ़ा है ये, गिरोगे तो? उतरो उतरो, नहीं चढ़ते हैं बार बार, कोल्ड ड्रिंक पापा पीते हैं, तुम थोड़ा पियोगे? अब कोल्ड ड्रिंक आएगा ही नहीं, चलो रूम में बड़ा जीरा पानी पीते हैं। जाओ पापा के पास जाओ, जाओ पापा के पास जाओ। नहीं कोल्ड ड्रिंक, दही खाया था। स्पॉट कोल्ड ड्रिंक पीते हैं? स्पॉट को कोल्ड ड्रिंक चाहिए। एक दो मेरे पास कमेंट्स आया हुआ था ना उसको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं देने के लिए, एक्चुअली मैं देती नहीं हूँ, इतना जीत करता है और उसने ही खरीदवा के लेके आया था वो। और ये कोल्ड ड्रिंक बदले जलजीरा बना रहे हैं, मतलब जो होते हैं ना झूठ उनका, उसको भी शायद वो कोल्ड जलजीरा को भी कोल्ड ड्रिंक समझता है, या फिर नींबू पानी का जो छोटा छोटा पैकेट आता है, मैं दिखाई थी ये लेके आए हुए थे, तो उसको कभी कभी बना दो तो वो भी कोल्ड ड्रिंक ही, मतलब टेस्ट तो थोड़ा सा पानी, नॉर्मल पानी से थोड़ा टेस्ट अलग होता है, तो वो कोल्ड ड्रिंक ही। वो वाला प्लांट्स अभी मैं वीडियो डाली थी इस वाले प्लांट्स का जब मैंने मंगाया था, आज मैंने डाला है वो वीडियो, संडे है ना, तो बहुत सारे लोगों को ये प्लांट्स बड़ा पसंद आया है, कॉमेंट्स में बहुत सारे लोग इसका लिंक मांग रहे थे। तो वैसे तो मैं इसको ना मैं खुद ही मंगाई थी, लेकिन लिंक है इसका अमेज़ॉन से मैंने मंगाया था, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हूँ, अगर इसको लेना है आप लोग ले सकते हो। वहाँ पे माय हॉल, मेरे जितने भी मैं अमेज़ॉन से प्रोडक्ट मंगाती हूँ आप लोगों से पहले बता चुकी हूँ, आप अमेज़ॉन माय हॉल पे आप क्लिक करोगे ना तो उसमें सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जितना मैं अमेज़ॉन से परचेज करती हूँ उतने सारे मिल जाएंगे। हुई हूँ स्पॉट को देखिए, कोल्ड ड्रिंक बन रहा है स्पॉट का किचन में, स्पॉट का भी बन रहा है, स्पॉट के पापा का भी। और स्पॉट ना इनको देख देख के तब पी रहा है, क्या पी रहे हो स्पॉट बाबू, क्या पी रहे हो? हाँ ए क्या पी रहे हो? जल चीरा, अब कोल्ड ड्रिंक के बदले जल चीरा, हाँ कोल्ड ड्रिंक के बदले जल जीरा, कोल्ड ड्रिंक के बदले जल जीरा पिया जा रहा है, ये भी जल जीरा ही पी रहे हैं और स्पॉट भी, दोनों लोग मेरे को नहीं दिए। अगर दे सकते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं दीजिएगा तो भी कोई बात नहीं। यहाँ मैं मिरर में दिख रही हूँ, मैं आप दीजिए, नहीं बेटा आप नहीं, पापा ला रहे हैं। स्पॉट मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ला रहा है, जल जीरा ये है मम्मा का, थैंक यू। ज़्यादा नहीं बनाया है, इस टाइम पे 8 बज रहा है रात के, और मेरे को ना ग्लास वगैरह जो कांच वाले ग्लास थे वो सब वॉश करने थे, तो वो वॉश की तो फिर मेरे को लगा कि चलो ये वाला मैं बास्केट भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन रखने के बाद पता है क्या होता है, वाइट वाइट सा पानी जब गिरता है ना, यहाँ का पानी कुछ ऐसा ही है, पानी से वाइट वाइट सब इसमें पकड़ लेता है,
तो बीच बीच में मुझे इसको धोना पड़ता है, नहीं तो अगर एक बार पूरी गंदगी इसमें चिपक जाएगी ना तो फिर निकलेगी भी नहीं, इसीलिए मैं इसको वॉश कर ले रही हूँ। और ये गए हैं और बाबू गया है शॉप पे, लहसुन खत्म हो गया था घर में और अभी सब्जी बनानी है, अब आएंगे तब पूछूँ क्या बनाऊँ मैं। इस ये बहुत ही अच्छा, पता है ऐसे पूरा पानी है ऐसे इसमें से गिर जाता है। और अभी रात का टाइम हो गया था, ये बास्केट वॉश करने के बाद फिर मैं खाना बनाने में लगूंगी, क्योंकि बाबू को भी ना वो शॉप पे जाने से पहले ही बोल रहा था भूख लग गई है, लेकिन उसको थोड़ा सा बाहर घुमाना ज़रूरी था। और आज इसके बाद मैं ज़्यादा ब्लॉग कुछ भी शूट नहीं करी, उसके बाद मैं एक दिन ब्लॉगिंग नहीं करी हूँ, उसके बाद फिर मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो मिलती हूँ आप लोग के साथ कल। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ और मैंने कुछ शॉपिंग करी है अमेजोन से, तो मैं सोची कि चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने अपने लिए नाइट सूट मंगाया है, टॉप मंगाई हूँ, स्लीपर मंगाई हूँ, इनके लिए, बाबू के लिए भी, खुद के लिए भी, और दिखा देती हूँ। तो उससे पहले मैं बता दूँ, सबका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। माई हॉल स्टोर पर जब आप क्लिक करोगे ना तो वहाँ पर मैं जितनी भी अमेजोन से शॉपिंग करती हूँ आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग जो ये वीडियो नहीं देखेंगे और फिर जब मैं इस ड्रेस को वेयर करूंगी फिर पूछते हैं कि कहाँ से या लिंक दे दो, तो आप लोग सारी वीडियो देखा करो, तभी आप लोग को पता भी चलेगा कि मैं कौन सा ड्रेस कब ली हूँ, कहाँ से ली हूँ। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं उसको वेयर करती हूँ या फिर कोई फोटोज डालती हूँ, वीडियो डालती हूँ, रील्स वगैरह डालती हूँ, तो आप लोग पूछते हो। तो चलिए फटाफट मैं तो पहले प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। तो ये मैं मंगाई हूँ अपने लिए सनग्लासेस, एक्चुअली इससे पहले मैंने बाबू के लिए मंगाया था लेकिन अभी मैं खुद के लिए मंगाई हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से इसकी पैकेजिंग थी, ऊपर से जैसे अमेजोन की पैकेजिंग होती है ना वैसे ही थी, और उसके बाद मुझे इस तरीके से डब्बे में हुआ है मिला है। एंड उसके बाद ये देखिए कितनी अच्छी पैकेजिंग है, बिल्कुल भी मतलब ना टूटने उठने का बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, यहाँ से बस हमें ओपन करना है। ये भी पैकेजिंग बहुत ही हार्ड दी हुई है, ये देख रहे हैं ना, इसमें जो क्लॉथ देते हैं थोड़ा सा साफ करने के लिए सनग्लासेस को, और ये पैकेजिंग आप देख रहे हो ना, कहीं भी ले जाओगे टूटेगा तो बिल्कुल भी नहीं। और ये मुझे ना इसकी प्राइस आई थिंक यहाँ पे मेंशन होगी, प्राइस तो 2000 के आसपास है, लेकिन मुझे ये 4500 के आसपास पड़ा है, बहुत अच्छा है। और एक्चुअली मुझे ना ये वाला शेप ही सनग्लासेस के अच्छे लगते हैं, तो ये मैं दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है ये। एंड ये साइड में यहाँ पे कुछ डिज़ाइन दिया हुआ है, मतलब बहुत अच्छा है, ये आप देख रहे हो बहुत अच्छा है। और मेरे पास था एक्चुअली, मैं वहाँ से बिग बाजार से ली थी, बट मैं अभी घर से जब आई ना तो रस्ते में मेरा वो टूट गया, दब के टूट गया सामान के बीच में, तो इसलिए मुझे ये लेना पड़ा था। जो मुझे ज़रूरी था ना वहीं सारा सामान मैंने शॉपिंग करी है इस टाइम पे। तो ये आप लोगों ने देख लिया, लिंक आपको मैंने बता ही दिया, सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। उसके बाद मैं इनके लिए स्लीपर मंगाई हूँ, डेली यूजेस के लिए मैंने मंगाया है, और ये आप देखो ये स्पार्क का है, और सबका प्राइस आप लोग देख लेना लिंक पे क्लिक करके, बहुत ही कंफर्टेबल है और रेड एंड ये ब्लैक कलर में, कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा लगा। साइज इनका नौ नंबर इनका साइज है स्लीपर का, तो ये डेली यूज के लिए है। उसके बाद मैं इस वॉश के लिए एक सैंडल मंगाई थी, सैंडल में अभी मुझे ना इसको रिप्लेस करना है, सैंडल में देखिए क्या प्रॉब्लम हो गई है, सब कुछ मतलब अच्छे से आया था लेकिन साइज मैंने ही गलत ऑर्डर किया था इसलिए ये साइज आ गया। एक्चुअली मुझे बड़ा ऑर्डर करना था, मैंने छोटा कर दिया, गलती से हो गया था मेरे से। तो ये देखिए कितनी छोटू सा ना, मतलब एक छोटे से बच्चे का सैंडल ले लिया मैंने, और इस वॉश को मैं जब बोली तो पहन ही नहीं रहा, हंस रहा है देख देख के। तो ये इसको वापस करके और फिर मैं दूसरा मंगाऊंगी, मतलब गलती इतनी बड़ी हो गई, मतलब छोटा सा बच्चा इस वॉश इतना हंस रहा है, तो जब देख रहा है ना, जब बोलती हूँ पापा पहन लो, जब बोल रही हूँ पहन लो, तो वो हंसने लग रहा है। तो उसके बाद और मैं दिखा देती हूँ आपको, मैं खुद के लिए एक बेली मंगाई ब्लैक कलर का, और ब्लैक कलर का क्या होता है मतलब सारे ड्रेसेस पे चल जाते हैं, इसलिए मुझे ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, मैंने इसको पहन के भी देखी, बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हो नज़दीक से एक लेस लगा हुआ है, उसको बहुत ही अच्छा सा स्टोन भी नहीं है, वो निकलने वाला बिल्कुल नहीं है क्योंकि साइड से ये दबा हुआ है। तो ये मुझे 400 के नीचे पड़ा है ये वाला जो है। और उसके बाद मैं दिखा दूँ नाइट सूट मैंने मंगाया है, तो यहाँ पे ग्रीन और ये ब्लू कलर में इसका लोअर है, लोअर में दिखाती हूँ, टॉप सबसे पहले दिखा दूँ। एक्चुअली मैंने ना साइज़ जो मंगाया उसे थोड़ा सा लूज़ है,
तो ये आप देख सकते हो, ये मुझे 1000 में पड़ा है, एक्चुअली 2000 इसकी प्राइस है, बट 1000 में मुझे मिला है डेली वेयर के लिए। और आजकल मैं नाइट सूट ज़्यादा पहन रही हूँ, पता है क्यों पहन रही हूँ, मेरी तबीयत जब से ख़राब हुई ना अभी, तो मेरे को कुर्तियाँ पहनने का ना मन नहीं हो रहा है। नहीं तो आप लोगों को पता ही है कि मैं कुर्तियाँ ज़्यादा पहनना चाहती हूँ, ब्लॉग सब बनाती हूँ, लेकिन इस टाइम पर पता नहीं क्यों मेरे को लगता है कि मैं हल्का हल्का कपड़ा पहनूँ, कम्फर्टेबल मेरे को फील होता है, इसलिए मैं नाइट सूट जानती हूँ, कुर्ती वगैरह ही मैं मंगाती। तो ये आप देख रहे हो उसका कलर, ये कलर मेरे पास नहीं था, इसी वजह से मैंने ये वाला कलर मंगाया है, सामने से कुछ इस तरीके से। और इसका फैब्रिक मतलब कॉटन में है, कॉटन हॉजरी है, बिल्कुल मतलब बहुत कंफर्टेबल है, बैक साइड में भी ऐसे ही है, फ्रंट साइड में भी ऐसे ही है, ये आप देख रहे हो। और इसका लोअर मैं आपको दिखा देती हूँ, लोअर ब्लू कलर में है, बहुत ही अच्छा है इसका लोअर है, एंड यहाँ पे ये लेस दिया हुआ है, और इसका रबड़ भी बहुत ही मतलब कम्फर्टेबल है। मैं साइड में इसके लगा दूंगी वेयर करके कैसा लग रहा है। और ये यहाँ पे नीचे साइड में ना, ये इस तरीके से जैसे लोअर में आता है ना नीचे से पैक वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली जब मुझे ये दिखा ना अमेजोन पे, तो मैंने इसको ले लिया। इसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा है, कॉटन हॉजरी है, बहुत ही कंफर्टेबल है, इसके साथ बहुत अच्छा मैच कर रहा है, साइड आपको दिख ही जाएगा। उसके बाद मैंने एक और नाइट ड्रेस अपने लिए मंगाया है, तो ये मैंने शॉर्ट्स और ऊपर टॉप मंगाई हूँ, तो ये इसका टॉप है, बहुत ही अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, एंड बैक साइड इसका प्लेन है, एंड फ्रंट साइड में कुछ ऐसे लिखा हुआ है, एंड इसका जो बॉटम है ना, बॉटम शॉर्ट में मैंने मंगाया है, क्योंकि कम्फर्टेबल होता है, आजकल इतनी गर्मियाँ हैं, तो ये इसका भी जो फैब्रिक है ना बहुत ही अच्छा है। नीचे में यहाँ पे कुछ पाइपिंग सी दी हुई है ब्लैक कलर में, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है डालने के बाद। इसकी मैं फोटो साइड में लगा दूंगी या फिर वीडियो भी लगा दूंगी। तो इसका इलास्टिक भी मतलब ना टाइट नहीं दिया, बहुत अच्छा है, प्रिंट भी बहुत ही कम्फर्टेबल है इसका। उसके बाद मैं आपके साथ एक टॉप दिखाती हूँ, ये टॉप देख रही थी मैं, मेरा दिल आ गया इस टॉप पे, सच बताऊँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, और सच में है ही अच्छा ये टॉप। तो मेरे को टॉप ना इन दो तीन और लेना है, क्योंकि टॉप मेरे पहले वाले आ नहीं रहे, ये वाला टॉप जो है मेरा ये 3 साल पहले का है, लेकिन अभी मैं अगर थोड़ी सी ना मेरा हेल्थ अगर बढ़ जाएगा तो ये टॉप मेरे में आएगा नहीं, सो मैं सोच रही हूँ कि इसको डेली यूज़ में निकाल दूँ। और उसके बाद ये टॉप आप देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है ना, मतलब बहुत अच्छा लुक आने वाला है इसका। इसका जो स्लीव्स है ऐसा इस तरीके से बेल स्लीव्स दिया हुआ है, बहुत ही कंफर्टेबल है। इसका फैब्रिक है रियॉन, फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है इसका डिज़ाइन, और डालने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। नीचे साइड मैंने यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये जो यहाँ से नीचे ना ऐसे घेरा टाइप का दिया हुआ है, मतलब फिटिंग वाला टॉप नहीं है, थोड़ा सा जैसे आजकल आता है ना ट्रेंड है थोड़ा सा घेरा टाइप का, यहाँ पे आप देख रहे हो ना यहाँ से प्लेट्स, छोटे छोटे प्लेट्स दिए हुए हैं, बैक साइड कुछ ऐसा है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, एंड फ्रंट साइड बहुत अच्छी इसकी डिजाइनिंग दी हुई है, डालने के बाद तो बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। गाइज इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। बाय, टेक केयर।